हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल पब्लिक फिनांस के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ये लेक्चर पहले भी मेरे चैनल के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के अंदर मैंने डाला हुआ है, तो ये किसी स्टूडेंट का डाउट था जिसकी वजह से मैंने इसको अपडेट किया है। इसके अंदर और जो है डेप्थ के अंदर हमने जो डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस हैं जिसके अंदर पहले मैंने डाल्टन का मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस था उसके ऊपर फोकस किया था। अब इसके अंदर पीगू का भी डाला है, मस्क्रेव का भी डाला है, तो उसी तरह इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। देखो, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो इकोनॉमी के अंदर लोग रहते हैं उनका जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना। जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है लोगों का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना, और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है उसको इस ढंग से मैनेज किया जाता है ताकि इकोनॉमी के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़े। गवर्नमेंट की जो बजटरी और डेट पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि असेंशियल टूल है जो ना केवल पब्लिक लाइफ को इफेक्ट करता है बट ऑल्सो वेलफेयर ऑफ द पीपल को भी इफेक्ट करता है। और उसी तरह क्या है कि देखो, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे क्या है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है उसका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है उनके वेलफेयर को जो है इम्पैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि पब्लिक फिनांस का ये ऑपरेशन करने से इकोनॉमी के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेन पर्पस जो होता है कि जो लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या है कि देखो, जो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फिनांस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इनको डिफरेंट जो है नेम्स दिए हैं। जैसे प्रोफेसर डाल्टन ने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, पीगू ने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एडवांटेजेस, और कुछ लोग इसको नेट एडवांटेजेस भी कहते हैं। और प्रोफेसर डाल्टन एंड प्रोफेसर पीगू जो है दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फिनांस जो है डिवेल्प किया है। अकॉर्डिंग टू देम जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस है ये पब्लिक फिनांस का रेवेन्यू कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करती है और किस तरह से जो है एक्सपेंडिचर करती है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस हैं जो पब्लिक फिनांस के अंदर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो यहाँ पे दोनों के पीछे ये लॉजिक है कि जो लोगों का सोसाइटी का इकोनॉमिक वेलफेयर जो है मैक्सिमाइज होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो पब्लिक फिनांस के ऑपरेशन है जो कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करती है, डैट शुड बी कलेक्टेड इन सच ए वे कि जो लोगों का सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है तो यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो रेवेन्यू जो टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करती हैं और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये होना चाहिए कि हमने लोगों का जो वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम ये ज़ूम करते हैं कि टैक्स इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देखो, जब भी टैक्स इम्पोज किया जाता है तो लोगों को पेन होता है, और टैक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। देखो, जब टैक्स लगाया जाता है तो ये लोगों को बहुत चुभता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों का जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो गवर्नमेंट तो नेचुरली लोगों की जो एडिशनल परचेजिंग पावर है, क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास 50,000 की इनकम है, उसमें से 15,000 अगर गवर्नमेंट के पास चला रहा है तो मेरी परचेजिंग पावर जो है कम हो जाती है। और उसी तरह स्टेट जो है, देखो, जब वो पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है तो लोगों को उससे बेनिफिट होता है, यूटिलिटी मिलती है। तो स्टेट जो है अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इस ढंग से मैनेज करे कि यूटिलिटी हैज़ टू बी मैक्सिमाइज, कि यूटिलिटी के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इस ढंग से इसको इस ढंग से करें कि लो जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और डिसयूटिलिटी कि जो टैक्स लगाती है सरकार उससे जो सेक्रीफाइस है वो मिनिमाइज हो जाए।
और उसी तरह हम देखते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस है, तो यहाँ पे बेसिकली इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है डैट इज़ टू गेन मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। डॉक्टर डॉल्टन हैज़ गिवन द डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। इसके अंदर कुछ सर्टन अजम्पशन हैं, यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया कि जो टैक्स है डैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट को जो इनकम प्राप्त होती है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेजेस जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्प्लाई करता है कि जैसे जैसे जो है सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती जाती है, और जो टैक्स है उनसे क्या होता है कि लोगों को पेन होता है और जो सेक्रीफाइस होता है, और जो पब्लिक टैक्स से सेक्रीफाइस करते हैं लोग और पब्लिक एक्सपेंडिचर से जब सरकार करती है तो बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे जो सरकार बजट बनाती है ना तो सरप्लस बजट बनाती है ना ही डेफिसिट का, तो जितना एक्सपेंडिचर होता है उतना ही रेवेन्यू होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है सब्जेक्ट टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट, तो यहाँ पे जैसे जैसे ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उसका बेनिफिट जो है कम होता जाता है, और जो टैक्सेस हैं जब टैक्सेस लगाती है तो सोशल सेक्रीफाइस जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट सिस्टम पब्लिक फिनांस का वही होना चाहिए जहाँ पे लोगों को मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस मिले, कि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है बेसिकली जो सेक्रीफाइस है वो उसकी यूटिलिटी के प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी फिनांस के अंदर होती है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट टैक्सेस के फॉर्म में कलेक्ट करती है लोगों के वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करती है, जैसे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। देखो जब लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो दी हैव टू मेक दीज सेक्रीफाइसेस, जिसको हम सोशल सेक्रीफाइस कहते हैं। और गेन होता है कि जब गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्चा करती है तो उसको हम सोशल बेनिफिट कह देते हैं। तो यहाँ पे इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू जो है इस ढंग से करना चाहिए ताकि ये हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। तो यहाँ पे ये जो डॉक्ट्राइन है ये इक्वी मार्जिनल के ऊपर बेस्ड है, और क्योंकि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो पर यूनिट जो है उससे यूटिलिटी कम होती जाती है। तो उसी ढंग से क्या है कि जो लास्ट रुपये पब्लिक एक्सपेंडिचर किया रहता है, जो लास्ट रुपये टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किया रहता है, उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो उसके सेक्रीफाइस के बराबर होती है, तभी जो हमारा जो सोशल एडवांटेजेस है वो मैक्सिमाइज होता है। देखो जब भी एक टैक्स इम्पोज किया जाता है तो वहाँ पे उसके ऊपर मॉनिटरी वो पैसा सरकार के पास चला रहता है, तो यहाँ पे क्योंकि नेचुरली जो मनी की यूटिलिटी है वो उसके पास इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके पास सब कम पैसा बचता है। एवरी इंक्रीज इन टैक्सेशन जो है सोसाइटी के ऊपर बर्डन होता है, क्योंकि सोसाइटी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और उसी तरह उनका सोशल सेक्रीफाइस जो है बढ़ जाता है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ टैक्स से इंक्रीज हो जाता है, बट जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उसको लोगों को बेनिफिट मिलता है, और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो जैसे जैसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता रहता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती जाती है। और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है डेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मैक्सिमम वेलफेयर वहाँ पे होगा जहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो होता है मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होता है, कि जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया जाता है उससे मिलने वाला सोशल और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है वो दोनों बराबर होने चाहिए। और मस्कग्रेव का ये ओपिनियन है कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज ज़ीरो, जहाँ पे नेट बेनिफिट जो है डेट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो सोशल वेलफेयर है उसको हम किस तरह से मेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट डिपेंड करता है कि पब्लिक फिनांस का जो कंट्री की प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। देखो क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन टेक्निक इम्प्रूव हो रही है, रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो रही है, और प्रोडक्शन की जो नेचर है वो पहले से इम्प्रूव हो रही है, और सेकेंडली क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रिच है उनसे टैक्स कलेक्ट करके पैसा सरकार कलेक्ट करती है, फिर उसके अंदर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी पुअर को दी जाती है। तो इस तरह से हम डाल्टन का जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यूनिट्स ऑफ जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर है,
और ये जो है सेक्रीफाइस है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे देखो सरकार जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है और टैक्सेस लगाती है तो सेक्रीफाइस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग और जो यूटिलिटी है डैट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर क्या है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस और अमाउंट ऑफ यूटिलिटी गेन जो है डैट इज़ इक्वल। ये टेबल मैंने इसलिए दिया है ताकि समझ में आ जाए, आपकी मतलब मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर देखो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस तो यहाँ तक तो आपने बताना ही है, साथ में डाल्टन का बताना है, उसके बाद जो है पीगू का ब्रीफली बताना है, मस्ग्रेव का भी आपने ब्रीफली जो है बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये जो है हमारा जो सोशल बेनिफिट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा सरकार एक्सपेंडिचर करती है तो उससे मिलने वाला बेनिफिट जो है कम होता जाता है और जैसे जैसे टैक्स लगाती है तो उससे सेक्रीफाइस जो बढ़ता जाता है। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस होता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है। और इसके बाद तो क्या है कि देखो यहाँ पे ये स्टेज जो है ऑप्टिमम स्टेज है। तो अगर और उसी तरह ही हम देखते हैं कि प्रोफेसर पीगूज़ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, तो यहाँ पे देखो जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस वही है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, कि जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कराता है उससे जो सेक्रीफाइस होता है और एक्स्ट्रा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कराता है उससे जो बेनिफिट है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट है और ये जो है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर क्या है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है नेट बेनिफिट है क्योंकि उसके बाद अगर जो है उसके बाद अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो सेक्रीफाइस ज़्यादा होता है, बेनिफिट कम होता है। और उसी तरह जो प्रोफेसर पीगू है उसको हम एग्रीगेट सोशल सेक्रीफाइस और एग्रीगेट सोशल बेनिफिट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट सोशल एडवांटेजेस जो होते हैं एग्रीगेट टोटल सोशल सेक्रीफाइस और एग्रीगेट ऑफ टोटल सोशल बेनिफिट के जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये वाला जो है ये टोटल ये इस तरह से क्या है टोटल सोशल बेनिफिट है और इस तरह से क्या है कि सोशल सेक्रीफाइस है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम दो टेंजेंट जो है ड्रॉ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है तो उसके अंदर यहाँ पे ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो इकोनॉमी है उसको सोशल एडवांटेज सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसका जो लिमिटेशन है एक तो क्या है कि सोशल बेनिफिट को मेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो फ्यूचर के अंदर जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है उसका भी बेनिफिट होता है लंबे समय तक होता है, और बर्डन ऑफ टैक्सेशन को मेयर करना डिफ़िकल्ट है, ये पब्लिक डेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो नेचुरली तो गवर्नमेंट जो है क्योंकि ये बेनिफिट जो होता है लंबे समय के लिए अवेलेबल होता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि मस्ग्रेव की जो अप्रोच है डैट इज़ टू मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस है ये बेसिकली लॉजिकल एक्सटेंशन है जो पिगविन वेलफेयर अप्रोच की जो है जो बेसिकली प्रोफेसर पीगू के दो प्रिंसिपल है कि रिसोर्सेज को हमने इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो मार्जिनल टर्न ऑफ द बेनिफिट फॉर ईच टाइप ऑफ आउटले शुड बी इक्वल। इसका अर्थ है कि जैसे गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है जैसे हेल्थ के ऊपर करती है, एजुकेशन के ऊपर करती है, तो जो लास्ट रुपये वो हेल्थ के ऊपर खर्च करती है, जो लास्ट रुपये वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी जो है बराबर होनी चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पब्लिक यूजेज इन सच ए वे मार्जिनल रिटर्न ऑफ द बेनिफिट फॉर ईच टाइप ऑफ यूज शुड बी इक्वल। और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इस पॉइंट तक करना चाहिए यहाँ पे जो लास्ट रुपये से हमें यूटिलिटी मिलती है और जो उससे यूटिलिटी सेक्रीफाइस होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि मस्ग्रेव जो है उनका ये ओपिनियन है कि ऑप्टिमम साइज ऑफ द बजट होना चाहिए जहाँ पे मार्जिनल नेट बेनिफिट जो होता है ज़ीरो होता है, नेट बेनिफिट जो होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस का जो डिफरेंस है डैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये जो अप्रोच है डैट इज मतलब प्रोफेसर डाल्टन और उससे जो है डिफरेंट पिगू से डिफरेंट नहीं है। तो ये प्रोफेसर डाल्टन का जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस है उसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया है। और उसी तरह मस्ग्रेव ने ये भी कहा है कि
कि जो उन्होंने रीजनिंग दी है, ये जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस की वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह से ये जो है मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट है। और उसी तरह क्या है कि ये जो है सेक्रीफाइस है, और ये जो है नेट सोशल बेनिफिट है, जो कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस करके निकाला है, तो यहाँ पर क्या है कि ये ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस है। उसके बाद क्या है कि देखो नेगेटिव हो जाता है, तो नेचुरली गवर्नमेंट को जो है यहीं तक ही अपना पब्लिक फिनांस के ऑपरेशन जो है करने चाहिए। और उसी को ही हम देखते हैं कि जो साइज़ ऑफ द बजट जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम मेयर करते हैं, और जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है, उनको हमने सेपरेटली जो है शो किया हुआ है। यहाँ पे देखो ऊपर वाला हिस्सा जो है मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, और उसी तरह जो नीचे वाला हिस्सा है वो सेक्रीफाइस है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है वो इंडिकेट करता है कि जब टैक्स लगाए जाते हैं तो उससे क्या सेक्रीफाइस फेस करना पड़ता है। और जो एनएसपी होता है वो बताता है कि बेसिकली जो नेट सोशल बेनिफिट है, जब हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट से मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को माइनस कर देते हैं, ऑप्टिमम साइज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिनल नेट बेनिफिट जो होता है ज़ीरो होता है। दिस इज़ द पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि ये ज़ीरो है। और उसी तरह हम देखते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस जो मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे स्टेट जो है उसके बाद जो है पब्लिक फिनांस सीमा के बाद नहीं करना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, देखो जो मस्कग्रेव ने दिया है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो होती है उसको मेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो जो प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर चूज़ कैसे करना है वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये मस्कग्रेव ने भी कहा कि इसके अंदर क्या है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि बजट को एफिशिएंटली किस तरह से प्लान आउट करना है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी कंडीशंस नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। एक तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है वो इक्वल होना चाहिए। और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो हम हर एक जिस तरह, जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्थ के अंदर करते हैं, एजुकेशन के अंदर करते हैं, या किसी और फॉर्म में करते हैं, तो वहाँ पे हर एक यूज़ के अंदर उसका बेनिफिट जो है मार्जिनल बेनिफिट बराबर होना चाहिए। और हर एक टैक्स पेयर जो है उसका मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन जो है इक्वल होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं डेट फॉर गेनिंग फॉर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस।